जो स्मार्टफोन आप सभी पकड़े हुए हैं उसमें करीब 110 मीटर या फिर करीब 360 फीट लंबे तार होते हैं और ये लगता है कैमरा, स्पीकर, डिस्प्ले, वाईफाई, एंटीना, जीपीएस, बैटरी, फिंगरप्रिंट स्कैनर, दर्जनों माइक्रोचिप और काफी सारे अन्य अंगों का बिना किसी रुकावट के कार्य कर पाने में तथा एक डिवाइस में संयोजित करने में। एक फुटबॉल के मैदान जितनी लंबी तार आपके स्मार्टफोन के अंदर आराम से फिट हो सकती है। पर रुकिए, ये सारी तारे हैं कहाँ? यहाँ आता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी। शायद आप इसके जैसा एक सर्किट बोर्ड देख चुके होंगे और वो हरा रहा होगा न कि नीला। पर शायद आपको यह नहीं पता होगा कि यह सर्किट बोर्ड 100 से ज्यादा कॉपर की तारों का एक परतदार भूल भुलैया है। पीसीबी सारे पुर्जों को सतह पर लगाने के लिए एक ढांचे की तरह कार्य करता है तथा बीच में मौजूद तारें सारे पुर्जों को एक दूसरे से संवाद करने व एक साथ काम करने में सहायता करती हैं। तो फिर एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के अंदर क्या होता है और वो कैसे काम करता है? पहले माइक्रोचिप, रेजिस्टर, कैपेसिटर, कनेक्टर जैसे पुर्जों व प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के बीच के अंतर की पहचान कर लेते हैं। ये ही पुर्जे होते हैं तथा या तो ये सोल्डर या फिर पीसीबी के साथ ही जोड़ दिए जाते हैं। मदरबोर्ड शब्द का अर्थ होता है एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर सारे पुर्जे लगे हों, जबकि पीसीबी बस एक समतल बोर्ड होता है जिसके ऊपर कुछ भी लगा नहीं होता। कुछ पुर्जे जैसे कि डिस्प्ले व कैमरा पीसीबी के ऊपर नहीं जोड़े जाते, वो कुछ मेटिंग कनेक्टर और एक चपटी केबल की सहायता से पीसीबी से जुड़े हुए होते हैं। यह मेरे द्वारा इस पीसीबी की ली गई एक एक्सरे तस्वीर है। जो गहरे रंग वाले स्थान हैं, वो संवेगी तारों से बने हैं और उनकी बहुतायत है। बाकी का पदार्थ एक असंवेगी इंसुलेटर से बना होता है जो कि एक बुने हुए फाइबर ग्लास व FR4 नामक एक इपॉक्सी रेसिन बाइंडर से बना होता है। इस एक्सरे तस्वीर में आप तारों की काफी सारी परतें देख सकते हैं। सब एक के ऊपर एक हैं, पर वो एक दूसरे को छू नहीं रही होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रही स्मार्टफोन की सबसे महत्वपूर्ण माइक्रोचिप। इसे सिस्टम ऑन चिप या छोटे रूप में SoC कहते हैं और ये पीसीबी के ऊपर लगा होता है बॉल ग्रिड एरे नामक एक कनेक्शन बिंदुओं या पैड की ग्रिड के ऊपर, और इससे स्मार्टफोन का दिमाग जुड़ जाता है उन सारी तारों या ट्रेस से जो पीसीबी में दौड़ती हैं। पीसीबी में और काफी सारे पैड हैं जो कि अन्य माइक्रोचिप जैसे मेमोरी चिप व वायरलेस चिप के साथ साथ रेजिस्टर व कैपेसिटर के लगने का स्थान है। आइए तारों के एक छोटे से सेट की तरह अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यह 15 ट्रेस SoC को 16 मेगापिक्सल के बैक कैमरे से जोड़ती है व यह 10 ट्रेस SoC को 5 मेगापिक्सल वाले बैक कैमरे से जोड़ती है। जितनी ज्यादा ट्रेस होती हैं, उतना ही डाटा भेजा जा सकता है। ध्यान रहे कि हर एक ट्रेस दूसरी से बिल्कुल अलग रहती है और किसी दूसरी ट्रेस को छू नहीं सकती। यहां हमारे पास 32 तार हैं जो कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के किनारे पर लगी हुई हैं तथा वो टच स्क्रीन डिस्प्ले तक जाने वाली एक चपटी केबल से जुड़ी हुई हैं। ये सारी छोटी सिग्नल तारे पीसीबी से होकर गुजरनी चाहिए व गोलाई में 1 मिलीमीटर से पतली होनी चाहिए। सारांश के लिए हम कह सकते हैं कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या पीसीबी 100 से ज्यादा तारों व एक ठोस संगठन की सहायता से हर एक पुर्जे के सिस्टम ऑन ए चिप या SoC से बात करने में सहायता करता है। तो फिर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बना किस चीज से है? इस स्मार्टफोन की पीसीबी 10 संवेगी परतों से बनी है। आइए जल्दी से इनसे गुजरते हैं। ऊपर व नीचे वाली परतें पुर्जों को लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और वो विभिन्न एंटीना की तरह कार्य करते हैं। सर्किट बोर्ड के हर एक पुर्जे को पावर व जगह चाहिए होती है। पीसीबी में काफी परतें होती हैं जो कि इसी कार्य के लिए होती हैं। पावर प्लेन व ग्राउंड प्लेन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग व गर्मी कम करने के लिए अतिरिक्त ग्राउंड प्लेन का इस्तेमाल भी होता है। बचे हुए 4 प्लेन में सारी कम्युनिकेशन ट्रेस या फिर सिग्नल की तारें होती हैं। हर एक संवेगी परत कॉपर से बनी होती है और बिजली का प्रवाह रोकने के लिए हर परत के बीच में एक इंसुलेटिंग फाइबर ग्लास व इपोक्सी रेसिन होता है। इस पीसीबी में 10 संवेगी परतें हैं, परंतु इस माल व जरूरत के हिसाब से इनमें 2 से 50 तक परतें हो सकती हैं। हालांकि ज्यादातर पीसीबी में 2 से 10 तक ही परतें होती हैं। इसके साथ साथ ऊपर व नीचे एक रंगीन सोल्डर मास्क की पतली सी परत चढ़ी होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देने के साथ साथ पुर्जों के
माउंटिंग पैड को भी पहुंच में रखता है और उसके ऊपर लगी होती है सिल्क स्क्रीन व इसका इस्तेमाल मार्किंग व अक्षरों के लिए होता है जो कि यह बताते हैं कि पुर्जे कहां लगे हैं। अब एनिमेशन से बाहर आते हैं। हेलो, मैं टेडी हूं और मैं ब्रांच एजुकेशन का क्रिएटर हूं। आइए इन टेक्निकल बातों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुझे ये बात सच में काफी आश्चर्यजनक लगती है कि आज से 50 साल पहले कंप्यूटर पूरे कमरे की जगह घेर लेते थे और कुछ ऐसे दिखते थे, और अब दशकों की कठिन इंजीनियरिंग व विकास के बाद हमारे पास कुछ इतना हल्का, छोटा व हजार गुना ज्यादा ताकतवर है जो कि हर किसी की जेब में है। हमारी दुनिया काफी ही अद्भुत है, पर ये सारी नई खोजें सिर्फ इसलिए संभव हो पाई क्योंकि इनके पीछे हजारों की संख्या में साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन व इंजीनियर की मेहनत थी। इन्होंने काफी पढ़ाई की और उससे ज्यादा कार्य किया। ट्रांजिस्टर, माइक्रोचिप व पीसीबी का आकार हजार गुना से भी ज्यादा छोटा करने में। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आपको अपना भविष्य ऐसे ही नए आविष्कारों से भरा हुआ चाहिए तो आप इसका भार खुद उठाइए और विज्ञान, टेक्नोलॉजी या मैथ्स में अपना भविष्य बनाइए। पर अगर आप वैसा नहीं कर सकते तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करके क्या पता आप किसी विद्यार्थी को विज्ञान, तकनीक, गणित या फिर इंजीनियरिंग का पेशा चुनने के लिए प्रोत्साहित कर दें, और इसके बाद वे भी ऐसे किसी पेशे को अपनाकर नए नए आविष्कार करेंगे। इस लाइक बटन को दबाएं और फिर यहाँ इस वाली को भी दबाकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। देखने व मदद करने के लिए आपका धन्यवाद। अब वापस आते हैं पीसीबी व उसके अंदर मौजूद हजारों सूक्ष्म तारों की तरफ। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो 10 अलग अलग संवेगी कॉपर की परतों तथा उनके बीच इंसुलेटिंग पदार्थ के बाद भी सिग्नल कैसे एक परत से दूसरी परत तक कैसे चले जाते हैं, VIAS या वर्टिकल इंटरकनेक्ट एक्सेस इस कार्य को करता है। आप उनको इन एक्सरे में देख सकते हैं। व्यास धातु की परत चढ़े हुए छेद होते हैं जो कि ड्रिल करके बनाए जाते हैं। व्यास तीन प्रकार के होते हैं। थ्रू व्यास वो छेद हैं जो कि ऊपर वाली परत से नीचे की तरफ जाते हैं। ब्लाइंड व्यास या तो ऊपर या फिर नीचे वाली परत को बीच वाली परत से जोड़ती हैं। और बरीड व्यास अंदरूनी परतों को एक दूसरे से जोड़ता है, क्योंकि व्यास अनेक परतों से गुजर सकता है। जब ये किसी ऐसी परत से गुजरता है जिससे ये कनेक्ट नहीं होना चाहता है तो उस परत के आसपास के व्यास से कॉपर हटा दिया जाता है। आइए पीसीबी के इस छोटे से हिस्से के एक्सरे को और जूम करके देखते हैं। ये पीसीबी के ऊपर लगे हैं पैड्स जिनके ऊपर पुर्जे लगते हैं, और अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि कुछ तारे इस दिशा में जा रही हैं व दूसरी तारे अलग अलग परत पर सीधा जा रही हैं, और तीसरी तारों का समूह एक एंगल पर जा रहा है, और व्यास इन सब के बीच से होकर गुजरती है। ये रहा एक सिक्का, ताकि आपको इन तारों के आकार का एक अंदाजा हो सके। आपके स्मार्टफोन के मध्य में पीसीबी के अंदर पाई जाने वाली बारीक तारे अचंभित कर देने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्मार्टफोन का हर एक मॉडल आकार व विवरण में अलग होता है, और हर किसी का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड अलग होता है जो कि इंजीनियरों द्वारा सावधानी से बनाया जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ स्मार्टफोन ऊपर व नीचे के पीसीबी को अलग कर देते हैं। बड़े वाले को मदरबोर्ड और छोटे वाले को डॉटर बोर्ड कहते हैं। दूसरे उदाहरण हो सकते हैं वे कुछ नए स्मार्टफोन जो पीसीबी को एक के ऊपर एक लगा देते हैं ताकि एक बड़ी बैटरी और ज्यादा कैमरे की जगह बन सके। एक जरूरी तथ्य और, ये पीसीबी बहुत ही हल्की और छोटी होती है। इसका भार एक टेबल स्पून से थोड़ा कम होता है, और फिर ये आपके फोन में भी फिट हो जाता है। इंजीनियर निरंतर नई खोजें कर रहे हैं और वे माइक्रोचिप, रेजिस्टर, इंडक्टर और कनेक्टर को छोटे से छोटा आकार देने की कोशिश में हैं। इनमें से कुछ का साइज तो एक फ्लीस से भी छोटा है। पीसीबी की पुरानी डिजाइन में ऐसे पुर्जे इस्तेमाल होते थे जो कि बोर्ड के ऊपर व इसके अंदर भी ज्यादा जगह लेते थे। इनके माउंटिंग मैकेनिज्म की डिजाइन किसी छेद में से गुजरते हुए पैर के जैसे होने के कारण इन पुरानी डिजाइनों को थ्रू होल कंपोनेंट्स बोला जाता था। यहाँ पर ये सारे पुर्जे सरफेस माउंट डिवाइस या SMD कहलाए जाते हैं, व इंजीनियर निरंतर प्रयास में है कि इनके छोटे व और हल्के रूप तैयार हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आप में से कोई एक आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की नई पीढ़ी का आविष्कार करेगा। आइए इस एपिसोड को संक्षेप में समझते हैं व इसे खत्म करने की तरफ बढ़ते हैं। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अनिवार्य हिस्सा है, और वो कई तरह के आकार व डिजाइन में मिलते हैं। ये ढांचा प्रदान करते हैं और अच्छे व साफ सुथरे घर बनाते हैं हर पुर्जे के लिए, और ये तारों की एक विशाल भूल भुलैया द्वारा उन सारे पुर्जों को कनेक्ट द डॉट्स की तरह जोड़ता है। और ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए आपका शुक्रिया।
सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचें, और अगर आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक भी करें, और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। उम्मीद है कि ये वीडियो एक विद्यार्थी या किसी ग्रुप तक पहुंच सके जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी नई तकनीक का आविष्कार करेंगे। इस एपिसोड की शाखाएं हैं पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग तथा उसके ऊपर लगने वाले सारे पुर्जे, जैसे कि सिस्टम ऑन ए चिप व सॉलिड स्टेट ड्राइव। कमेंट सेक्शन में सवाल पूछें और अगली बार तक अपने आसपास की दुनिया की वैचारिक सरलता व संरचनात्मक जटिलता के बारे में सोचे जरूर।